हेलो दोस्तों, मैं ये वीडियो में आई प्रो पावर बैंक की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं, तो देखते रहिए। है आई प्रो की तरफ से 10,400 मिली एम्पियर वाली एक पावर बैंक। यहां देखिए फीचर्स लिखा हुआ, टू पोर्ट आउटपुट टू चार्ज, मल्टी आउटपुट 1 एम्पियर 2 एम्पियर का भी है, और मैन्युफैक्चर्ड एज पर इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड। और यहाँ लिखा हुआ है रियल कैपेसिटी गारंटी, मतलब ये प्योर 10,400 मिली एम्पियर का पावर बैंक है। और यहाँ लिखा हुआ हाई कैपेसिटी, और ये साइड में आपको वही पावर बैंक की कुछ तस्वीर मिलेंगे, 10,400 मिली एम्पियर लिखा हुआ। अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, अंदर में क्या क्या है। देखिए पहले तो पावर बैंक है और एक केबल है, और ये आपका यूजर मैनुअल है, ये आप देख सकते हैं बाद में यूजर मैनुअल, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होगा कैसे यूज करना है नहीं है। आप लेते हैं पावर बैंक को, ये पावर बैंक है 10,400 मिली एम्पियर वाली, और एक केबल है माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी चार्जिंग के लिए। ये बहुत छोटा केबल है, बहुत छोटा ही है, शॉर्ट केबल दिया है कंपनी ने। आप कोई भी ट्रैवल अडेप्टर से इसको चार्ज कर सकते हैं, और इसका वजन लगभग 280 ग्राम करीब है। इसमें चार इंडिकेटर लाइट्स दिए हुए, बैटरी इंडिकेटर है, तो बैटरी जब बैटरी कितना है वहाँ से पता चलेगा। और यहाँ दो पोर्ट आप देख रहे हैं, दो पोर्ट आप देख सकते हैं जहाँ से आप चार्जिंग करेंगे यूएसबी के थ्रू। एक है 2.1 एम्पियर का और एक 1 एम्पियर का है। डायरेक्ट वाला जो देख रहे हैं वो है 2.1 का। यहाँ है माइक्रो यूएसबी का पोर्ट जो जहाँ से आप चार्जिंग करेंगे, और एक एलईडी लाइट भी है जिसको आप टॉर्च के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। पावर ये जो बटन दिया हुआ है इसको आप लॉन्ग प्रेस करने से पावर लाइट जल जाती है, मतलब आप टॉर्च के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं, और फिर लॉन्ग प्रेस करने से ऑफ हो जाती है। एक बार इसको दबाने से पावर बटन के ये जो बैटरी इंडिकेटर है वो जल जाती है, आपको पता चल जाता है कितना बैटरी है इसमें। 1.5 एम्पियर की वॉल चार्जर से इसको चार्ज करने में लगता है 6 से 7 घंटे, और इससे आप 3000 मिली एम्पियर वाली कोई भी मोबाइल तीन बार तक चार्ज कर सकते हैं। आप बताइए मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और क्या जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।